नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की राजधानी पटना में अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए एक नया जरिया जल्द ही मिलने वाला है। जल्द ही पटना में आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी, लेकिन मेट्रो की सुविधा आम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए काम में रफ्तार लाने की जरूरत है। और सरकार ने फैसला लिया है कि कई पदों पर बहाली की जाएगी जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अंतर्गत आएगी। नए साल में पटना मेट्रो की काम को रफ्तार दिया जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए अधिकारियों की बहाली का फैसला लिया गया है। इसके लिए 27 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन होगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन शर्त के अनुसार इन पदों पर भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम, किसी राज्य सरकार के उपक्रम में काम करने वाले अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन लिंक के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसकी समय सीमा 4 जनवरी से 18 जनवरी तक है। योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी को मेल से इंटरव्यू की पूरी जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि सभी पदों पर नियुक्ति 3 सालों के लिए संविदा के आधार पर होनी है। इसकी समय सीमा 4 जनवरी से 18 जनवरी तक है। योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इसके बाद अभ्यर्थियों को मेल के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब किन किन पदों पर बहाली होगी वो हम आपको बताते हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जिन पदों के नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, वे सभी पद जनरल मैनेजर, डायरेक्टर आदि स्तर के पद हैं। इसमें सबसे बड़ा पद चीफ फाइनेंस अफसर कम डायरेक्टर का होगा। डायरेक्टर प्रोजेक्ट, जीएम प्रशासन एंड एचआर, जीएम प्रोक्योरमेंट, जीएम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, जीएम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जीएम वर्क, जीएम ट्रैक, जीएम क्वालिटी कंट्रोल, जीएम डिपार्टमेंट, जीएम फाइनेंस, जीएम रोलिंग स्टॉक का भी पद इसमें शामिल है। यानी कि जनरल मैनेजर के कई सारे पद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लेकर आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न शाखाओं के 5 डिप्यूटी जनरल मैनेजर के भी पद हैं। वहीं 1 असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, 1 असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट इंजीनियर के 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में काम की रफ्तार को तेज करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की राशि का इंतजार है। फिलहाल 6 स्टेशनों के निर्माण के लिए राशि जारी चुकी है। बाईपास के क्षेत्र में मेट्रो पाइलिंग का भी काम किया जा रहा है। आपको राजधानी पटना में जल्द से जल्द मेट्रो की सुविधा मिले, इसके लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है। फिलहाल इंतजार है कि केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंस किया जाए, लेकिन उससे पहले काम को रफ्तार मिले। कई सारे पदों पर बहाली निकाली गई है। कुल 27 अलग अलग पद हैं जिस पर बहाली की जाएगी, और अलग अलग जीएम्स, जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर मैनेजर्स के भी पद हैं जिस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।